गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये वायरस पार्ट 4 है। COVID-19 के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। थोड़ा आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। COVID-19 में एक माह का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसके लिए आंसर है जापान। अब यहाँ से जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा उनको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा कि जापान का पुराना नाम क्या है। तो निप्पन। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर होता है जापान को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है, सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? आंसर होता है जापान को कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? आंसर होता है जापान को कहा जाता है। हम जानते हैं जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। अब पूछ रहे टोक्यो कहाँ है? तो टोक्यो जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है होंसु द्वीप। उस द्वीप पर यह टोक्यो शहर बसा हुआ है। सबसे विकसित शहर बोला जाता है इसे विश्व का। बात की जाए जापान का राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल जो है वो सूमो है। अब हाल ही में जापान के एक नए सम्राट बने हैं, तो इनका नाम भी याद रखना, ये कहीं पूछ लिया जाए तो। नारुहितो नाम है इनका, नारुहितो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। बात की जाए अभी प्रेजेंट में वहाँ के पीएम कौन है? शिंजो आबे हैं, और इन्होंने ही यहाँ पे एक माह के आपातकाल की घोषणा की है, याद रखना। जापान की मुद्रा, तो ये मुद्रा बहुत बार पूछ लिया जाता है, मुद्रा तो ये एन है। और यहाँ की जापान की संसद का नाम, ये डाइट है। जापान का मैनचेस्टर, इसको ओसाका कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो एक चीज़ याद रखिए, भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को कहा जाता है। तो ये भी पूछ लेता है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर होता है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का डेट्राइट नगोया को कहा जाता है, जबकि भारत का डेट्राइट ये पीथमपुर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है धार में। जापान का पिट्सबर्ग यवाता को कहा जाता है, यवाटा है यहाँ पे, यवाटा को कहा जाता है, ये जापान का प्रसिद्ध शहर है। जबकि भारत का पिट्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है, जो कि झारखंड में है। बात की जाए कि और जापान से जो जुड़े जीएस के फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने नाम सुना होगा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने, जापान का एक प्रसिद्ध शहर है हिरोशिमा, उस पर परमाणु बम डाला था, जिसका नाम पूछ लेता है, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल वॉर। जबकि 6 अगस्त के बाद फिर इसने 9 अगस्त 1945 को जापान का दूसरा बड़ा शहर नागासाकी पर जो बम डाला, उसका नाम पूछ लेता है, तो ये फैटमैन नाम है। अब ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप हुआ है, ये अमेरिका ने ये परमाणु बम डाले थे जापान के दोनों शहरों पर, तो उस टाइम अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो ये याद रखना, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। क्या नाम था? हैरी ट्रूमैन, ये याद रखना, बहुत बार पूछता है। जापान का सुसुप्त ज्वालामुखी ये कौन सा है? तो सुसुप्त ज्वालामुखी जो है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है फ्यूजीयामा। ये होंसु द्वीप पर है, मैंने भी बताया था जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। एक क्वेश्चन और पूछता है, जापानी लोग जो होते हैं वो चाय का एक उत्सव मनाते हैं, चाय का एक विशेष उत्सव मनाते हैं, तो इस उत्सव को क्या कहा जाता है? तो ये याद रखना, चानू यू कहा जाता है उस उत्सव को। अब पूछ लेता है जीएस में क्वेश्चन कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसको मैं बता चुका हूँ, थीन अम्ल चाय में पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। जबकि भैंस का दूध होता है उसमें कैसीन रहता है, गाय का दूध होता है कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध पीला होता है। बात की जाए, ये क्वेश्चन बना था RPSI में कि बीबा झील किस देश में है, कौन सी झील, बीबा झील किस देश में है? तो बीबा झील की बात की जाए तो ये जापान में है। बात की जाए मत्स्य उद्योग में जापान कौन से नंबर पर है, तो समुद्री मछली पकड़ने में जापान दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर जो चीन है, जिसने हाल ही में वुहान इसका शहर फेमस रहा है, आप जानते हो COVID-19 के लिए। आगे बात की जाए तो भारत में आपने नाम सुना होगा इसका, बुलेट ट्रेन परियोजना।
इसका नाम सुना होगा, किसके सहयोग से चलाई गई ये कुशन बना है, तो याद रखना ये जापान के सहयोग से चलाई गई और यह परियोजना मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है। इसकी डिस्टेंस 508 किलोमीटर है। 2022 तक इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रस्ताव रखा गया है, जबकि अभी तो हालात ऐसे चल रहे हैं, देखो फिर भी हो सकती है 2022 तक। तो इसमें शिंजो आबे ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। बात की जाए जापान का, ऐसा कौन सा द्वीप है ये क्वेश्चन पूछा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो पहले आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो जापान का जो अकिनोशिमा एक द्वीप है, इसको सीमा कर लेना, अकिनोशिमा एक द्वीप है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, शामिल क्यों, यहाँ पे एक चीज़ फेमस हो रहा है, इस द्वीप पर ओनली पुरुष ही रहते हैं, यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं रहती है। कौन सा द्वीप है, अकिनोशिमा द्वीप, ये जापान में पड़ता है। बात की जाए विश्व की सबसे तेज ट्रेन, तो विश्व की सबसे तेज ट्रेन ये है मेगलिप ट्रेन, जापान की है और यह है 603 किलोमीटर प्रति हवर चलती है। कितना, 603 किलोमीटर प्रति हवर। तो इसी ने बुलेट ट्रेन लाया है जापान हमारे यहाँ। बात की जाए जापान से जो मोस्ट जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जो आगामी परीक्षाओं में या पिछली परीक्षाओं में जो भी आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जापान से जुड़े हुए। आप एक चीज़ याद रखना, एक माह का आपातकाल लगाया है इसने कोविड-19 के लिए। बात की जाए आगे कोविड-19 के लिए, तो कोविड-19 के लिए दिल्ली सरकार ने 5T प्लान चलाया है। अब 5T क्या है, तो 5T, टी मतलब कितनी, 5T, और 5T की बात की जाए तो पहली टी का फुल फॉर्म है टेस्ट, दूसरी का है ट्रेसिंग, तीसरी का है ट्रीटमेंट, चौथी का है टेम्बर, पांचवी का है ट्रैकिंग, और इन सभी 5T को मिला के 5T प्लान बन गया। कौन सा प्लान बन गया, 5T प्लान बन गया। 5T प्लान की बात की जाए, 5T प्लान की बात की जाए तो ये किसने चलाया है, वहाँ के CM कौन है, केजरीवाल, जबकि वहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर, तो अनिल बैजल हैं। तो 5T चलाया है किसके लिए, कोविड-19 के लिए। बात की जाए कोविड-19 के लिए और कौन से चलाए हैं, तो ऑपरेशन शील्ड ये कोविड-19 के लिए चलाया है। किसने चलाया है, दिल्ली सरकार ने। बात की जाए डोर स्टेप डिलीवरी ये योजना किसने चलाई, तो ये दिल्ली सरकार ने चलाई है, और 40 वस्तुओं का आदान प्रदान मतलब किया जाएगा। जाहिर सी बात है डोर स्टेप डिलीवरी मतलब दरवाजे पर आपकी 40 वस्तुओं की इसमें मांग पूर्ति के लिए ये योजना चलाई है। अब यहाँ से कुछ GS के भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछ लेता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है, तो हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, इसे रेलियों का शहर कहा जाता है। ये भी पूछ लेता है भौगोलिक नाम पूछे जाते हैं भारत के, कि रेलियों का शहर किसे कहा जाता है, आंसर होता है दिल्ली को रेलियों का शहर कहा जाता है। अब पूछता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में है, और ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एक चीज़ याद रखना, करंट में एक क्वेश्चन और बना है कि ग्रीन नर्सरी स्थापित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो ग्रीन नर्सरी स्थापित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। अब दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो दिल्ली को राजधानी सन 1911 में बनाया गया था। इससे पहले दिल्ली की राजधानी जो थी वो क्या थी, कोलकाता थी। क्या थी, कोलकाता थी। बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा, किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ये क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट से संबंधित है तो पूछता है कि इसका वर्तमान नेम मतलब प्रेजेंट का जो नाम है वो क्या है, तो एक चीज़ याद रखना, वर्तमान में इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है, ये पर्यटन स्थल है, ये भी पूछ लेता है, दिल्ली में है। अक्षरधाम जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, अक्षरधाम, ये दिल्ली में है। बात की जाए लाल किला, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है लाल किले से, कि लाल किला आपने देखा होगा हाल फिलहाल नोटों पर आ रहा है, और ये किस नोट पर आया है, कमेंट बॉक्स में आप अपना बताइए, तो मैं बता देता हूँ। वैसे आप कीजिए कोशिश, 500 रुपये के नोट पर ये लाल किले का जो चित्र यहाँ पर आया है, 2000 के पे मंगलयान का है, 500 पे इसका है,
तो इस प्रकार आप इसको भी याद रखिए, आगामी पेपरों में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बात की जाए भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। भारत का पहला पुलिस संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया जाए, तो ये किया गया है दिल्ली में स्थापित किया गया है। बात की जाए भारत मौसम विज्ञान संस्थान, ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, ये भी दिल्ली में है। एक चीज यहाँ से और पूछता है कि मौसम वेधशाला, यहाँ से याद रखना मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क संस्थान ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब बोल सकते हैं इंडियन नेशनल हाईवे, ये कहाँ, ये भी दिल्ली में है। एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आप जानते होंगे एम्स के बारे में, ये भी कहाँ है, ये सभी दिल्ली में है। बात की जाए अब इनको याद कैसे रखना है, तो एक चीज़ और यहाँ पे देखना, थोड़ा मैजिक है बिल्कुल। जब मौसम होगा तो क्या होगी दोस्तों, कृषि, और कृषि होगी तो कृषि मतलब खेती के लिए हमें क्या अनिवार्य है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर अनिवार्य है। ट्रैक्टर होगा तो ट्रैक्टर किस पर चलेगा, सड़क पर चलेगा, सही बात है कि सड़क पर चलेगा। सड़क जब बन जाएंगी बहुत सी तो क्या बनेंगे, नेशनल हाईवे बनेंगे, और नेशनल हाईवे बनेंगे तो आजकल के बंदे कहाँ मानते हैं गाड़ी दौड़ाने बिना, तो उनका एक्सीडेंट होगा और कहाँ जाएंगे वो, एम्स में जाएंगे, और एम्स में जाएंगे ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहाँ हैं, न्यू दिल्ली में है। बात की जाए यहाँ के सीएम कौन है, मैंने बता दिया अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात की जाए अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, बहुत बार पूछा गया है कि यमुना आप देख रहे होंगे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर होता है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना के किनारे जितने भी शहर बते हैं, बसे हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं बता देता हूँ। एक तो इलाहाबाद है जो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। प्रसिद्ध शहर आगरा बसा हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आज के लिए मैंने देखा था ये, क्योंकि हैंड नोट से बना रहा था वीडियो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी देखने में आपको, मैंने इस बार ये प्रक्रिया अपनाई है। तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आई हो तो उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आऊँ।